Good morning, students. I'm your English teacher, Divya Srivastava. And today in English literature, we are going to start a new fresh chapter, chapter 10. And the name of this chapter is Ali and the Sultan Saddle. This story is all about a man, Ali, and the Sultan, who is the king of an kingdom, right? And saddle means kya hota hai? Saddle means hota hai kaathi, theek hai? एक प्लेस होता है, सीट होती है जो कि किसी भी एनिमल के ऊपर रखी होती है और उसमें बैठ के उसको हम राइड करते हैं. ओके, सो दिस स्टोरी इज ऑल अबाउट अली एंड द सुल्तान. सो लेट गेट स्टार्टेड. फर्स्टली वी विल सी द कैरेक्टर्स ऑफ दिस स्टोरी. द कैरेक्टर्स आर अली. ठीक है, अली है जो कि एक वहां का उस किंगडम का एक आदमी है, सुल्तान जो कि किंग है, एंड कोर्टियर्स. कोर्टियर्स क्या होते हैं? जो दरबार में रहते हैं, राजा के दरबार में उनको दरबारी बोलते हैं, कोर्टियर्स. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ पावरफुल एंड अनकाइंड सुल्तान हुज पीपल वर वेरी अफ्रेड ऑफ हिज पावर. एक बार की बात है, बहुत ही ज्यादा पावरफुल और अनकाइंड सुल्तान था. अनकाइंड मतलब कि क्रूवल टाइप का था, क्योंकि उसके अंदर बिल्कुल भी दया नहीं थी. ही वॉज वेरी क्रूवल एंड अनकाइंड पर्सन. तो सुल्तान बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, शक्तिशाली था. उसका जो क्षेत्र था, यानी कि उसका किंगडम था, वो एक जगह से लेकर दूसरी जगह था, एक लैंड से लेकर दूसरे लैंड तक था. काफी बड़ा उसका एक वास्ट किंगडम था, बड़ा विशाल किंगडम था. एंड ही वॉज वेरी पावरफुल एंड अनकाइंड. ओके, उसके जो लोग थे, उसके किंगडम के जो लोग थे, वहां के लोग थे, वो काफी उससे डरते थे. हमेशा वो स्केयर्ड रहते थे, एफ्रेड रहते थे उसकी पावर से, उसकी शक्तियों से. क्यों? बिकॉज दे विल बी पनिश्ड फॉर वेरी स्मॉल थिंग्स. काफी छोटी मिस्टेक्स के लिए उनको पनिश किया जाएगा. इस चीज को लेके वो हमेशा डरे और सहमे रहते थे. ठीक है, इन दैट वास्ट किंगडम देर वॉज अ मैन नेम्ड अली हु एंजॉयड मेकिंग फन ऑफ सुल्तान एंड हिज कोर्टियर्स. उस बड़े से क्षेत्र में, उस बड़े से किंगडम में देर वॉज अ मैन, एक आदमी था. क्या नाम था उसका? अली. यस, एंड ही एंजॉयड मेकिंग फन ऑफ पीपल, फन ऑफ सुल्तान एंड द कोर्टियर्स ऑफ द सुल्तान. जो सुल्तान यानी कि जो किंग था वहां का और उनके जो दरबारी थे, उनके बारे में हमेशा वो मजाक करता था. उसको मजाक बनाना उनके बारे में काफी अच्छा लगता था, उसको मजाक बनाता था वो. ठीक है, अली मेड अ फनी स्टोरीज अबाउट सुल्तान एंड हिज कोर्टियर्स. द पीपल लव्ड हिज जोक्स बट दे वंडर्ड हाउ ही हैड करेज टू से सच थिंग्स. अली क्या करता था? अली मेड अप ऑल शॉर्ट्स ऑफ स्टोरीज, फनी स्टोरीज ऑफ सुल्तान एंड हिज कोर्टियर्स. काफी तरह तरह की ऑल शॉर्ट्स ऑफ, तरह तरह की विचित्र और फनी सी स्टोरियां वो सुल्तान और कोर्टियर्स के बारे में बनाता था. जिसको सुन के, जो भी लोग उस चीज को सुनते, द पीपुल हु हर्ड हिम, जो उस चीज को सुनते थे, उनको काफी वो कहानियां अच्छी लगती थी. ठीक है, और उन कहानियों को वो, उनको जोक्स को वो, मतलब मजे लेके वो उनके जोक्स को सुनते थे, अली के जोक्स को. बट एट दैट टाइम, उसी टाइम पे, एट द सेम टाइम दे वंडर्ड, उनको आश्चर्य भी होता था कि हाउ ही हैड अ करेज टू से सच लाइक थिंग्स. उनको ये भी बहुत आश्चर्य होता था कि वो अपने मुंह से इस तरह की बातें कैसे निकाल लेता है, इतना साहस वो कैसे करता है. बिकॉज जो सुल्तान था, ही वॉज वेरी पावरफुल एंड अनकाइंड पर्सन. तो लोग काफी आश्चर्य करते थे कि इसके पास इतना करेज, यानी कि साहस कहाँ से है कि ये इस तरह की बातें कर लेता है. ठीक है, वन डे द कोर्टियर्स टोल्ड सुल्तान अबाउट द अली जोक्स एंड सुल्तान ऑर्डर्ड हिज सोल्जर्स टू कैच अली एंड ब्रिंग हिम टू कोर्ट. अली था वो इतना ज्यादा फेमस हो गया उन लोगों के बीच में, उस किंगडम में, कि लोग उसको जानने लगे, लोग उसकी बातें होने लगी कि देर वॉज अ मैन नेम्ड अली एंड ही एंजॉयड द मेकिंग फन ऑफ अ सुल्तान एंड कोर्टियर्स. लोगों को पता लग गया कि वो अली और वो सुल्तान और दरबारियों का मजाक बनाता है, और ये बात सुल्तान के पास भी पहुंच गई. हाउ? एक बार की बात है कि एक कोर्टियर था, यानी कि जो दरबारी था, उसने सुल्तान को बताया अली के, अली जो कहानियां बनाता था, जो मजाक बनाता था, उनके बारे में सुल्तान को बताया. एंड सुल्तान ने काफी इंसल्टेड सा फील किया. सुल्तान वॉज वेरी यू नो एंग्री एंड वेरी फील इंसल्टेड. तो उसने क्या किया? सुल्तान ऑर्डर्ड हिज सोल्जर्स टू कैच अली एंड ब्रिंग हिम टू कोर्ट. उसने अपने कोर्टियर्स को, अपने सोल्जर्स को, यानी वो सैनिक थे उसके, सोल्जर्स मतलब सैनिक, उनको ये ऑर्डर दिया कि जाके तुम अली को पकड़ो, उसको कैच करो और उसको यहाँ पे कोर्ट में मेरे सामने लाओ. ठीक है, देन अली वॉज ब्रॉट बिफोर द सुल्तान. ही वॉज सो हम्बल, ही बाउड सो डीपली दैट हिज फोरहेड टच्ड द फ्लोर. अब जब अली को लाया गया इन फ्रंट ऑफ सुल्तान, सो ही वॉज वेरी हम्बल. ही प्रिटेंडेड वेरी हम्बल एंड ही प्रिटेंडेड दैट ही वॉज अ वेरी गुड मैन एंड ही ऑलवेज ही प्रेज्ड सुल्तान वेरी मच.
जब उसको सुल्तान के सामने लाया गया तो वो बहुत ही ज्यादा काइंड पर्सन बन गया, काफी हम्बल बन गया, काफी मतलब अच्छा बन गया। हम्बल मतलब होता है काफी विनम्र बन गया। हाथ जोड़ लिया उसने और जमीन में बैठ गया और उसने अपने सर को इतना झुकाया, ही बाउड सो डीपली, इतना ज्यादा वो झुक गया कि उसका जो फोरहेड था, उसका जो सिर था, वो जमीन को टच कर गया। ठीक है, उसने ऐसा प्रिटेंड किया, ऑल्दो वो ऐसा नहीं था, राइट, बट उसने उसके सामने, सुल्तान के सामने ऐसा प्रिटेंड किया कि वो उनको बहुत एडमायर करता है, बहुत तारीफ करता है, एंड ही वॉज वेरी हम्बल एंड काइंड पर्सन। अली प्रेज द सुल्तान वेरी मच, ही रिसाइटेड अ पोयम इन ऑनर ऑफ द सुल्तान। अली ने सुल्तान की बहुत तारीफ करी। ठीक है, बिफोर की पहले सुल्तान कुछ बोल पाते, कुछ कह पाते, और काफी उसने तारीफ कर दी कि ओ माई ग्रेट सुल्तान, आई एम वेरी फॉर्चुनेट एंड आई एम वेरी आई फील वेरी फॉर्चुनेट, आई एम वेरी ब्लेस्ड दैट आई कैन सी यू, मैं तुम्हें देख पा रहा हूँ, मैं आपसे मिल पा रहा हूँ, ये मेरा बहुत बड़ा भाग्य है। मैं आपकी बुद्धिमत्ता की, आपके कैरेक्टर की, आपकी क्वालिटीज को हमेशा एडमायर करता हूँ, उसको हमेशा प्रेज करता हूँ। ठीक है, आपका जो विजडम है, आपका जो कैरेक्टर है, आपका जो पावरफुल आपका एक कैरेक्टर है, उसको मैं हमेशा एडमायर करता हूँ, उसकी हमेशा तारीफ करता हूँ और उसको हमेशा प्रेस करता हूँ। तो इतनी सारी तारीफ सुन के सुल्तान वॉज सो सरप्राइज एंड सो डिलाइटेड, राइट। अली प्रेस सुल्तान वेरी मच, उसने बहुत तारीफ करी एंड रिसाइटेड अ पोयम इन द ऑनर ऑफ सुल्तान। उसने सुल्तान के सम्मान में एक पोयम भी सुना दी। ऑल्दो वो पोयम लिख के नहीं लाया था, बट उसने पोयम सुनाई, उसने उसकी जो आवाज थी, वॉइस थी, उसने उसकी जो कंपेयर किया, हवा से कंपेयर किया, उसके वैभव को, उसके जो उसका तेज होता है स्प्लेंडर, उसको उसने सन सन से उसको कंपेयर किया। तो इस तरह की काफी चीजें करी, जिसको सुन के जो किंग था, जो सुल्तान था, ही वॉज सो सरप्राइज एंड सो प्लीज। ठीक है, द सुल्तान वॉज सो डिलाइटेड बाई अलीज अनएक्सपेक्टेड प्रेज, ही रिवॉर्डेड अली विथ अ डोंकी सैडल। सुल्तान ने लास्ट में पोयम जब उसकी फिनिश हुई तो उसने क्लैप किया अली के लिए एंड ही सेड कि अली यू आर अ वेरी फाइन पोएट, तुम बहुत ही अच्छे एक पोएट हो, तुम बहुत ही अच्छे एक वो हो, और तुमने बहुत ही अच्छी तारीफ करी। और वो काफी सुन के खुश हो गया और उसने कहा कि उसके पास बहुत सारे वहां पे सैडल्स थे। सैडल मतलब क्या होता है, जानवर, जैसा डंकी हो गया, हॉर्स हो गया, उनके ऊपर जब हम बैठते हैं, सीट जो होती है, जो उसको काठी बोलते हैं। ठीक है, तो वहां बहुत सारे सैडल्स रखे थे। तो किंग ने बोला कि चूज चूज वन ऑफ योर सैडल, जो भी आपको सैडल चाहिए इनमें से आप कर लो। ठीक है, जब जो भी तुमको पसंद आ रहा हो तुम इसमें से सैडल ले सकते हो एज अ रिवॉर्ड, रिवॉर्ड की तरह मैं तुम्हें कोई सैडल गिफ्ट करना चाहता हूँ। तो उसने डंकी का सैडल चूज किया, जो अली था उसने खुद से ही, अली पिक्ड अप द डंकी सैडल। ठीक है, और जब वो वहां से जाने लगा पैलेस से, उसने सबको थैंक यू बोला, उसने सुल्तान को थैंक यू बोला, तो लोगों ने पूछा कि तुम इस डंकी सैडल को लेके कहाँ जा रहे हो। तो उसने लोगों से बात करते हुए क्या बताया एट लास्ट कि अली मॉक द सुल्तान वन मोर टाइम, उसने फिर से अली सुल्तान का मजाक बनाया। कैसे बनाया, ही टोल्ड द पीपल दैट सुल्तान हैज गिवन हिम वन ऑफ हिज ओन रोब्स एज अ रिवॉर्ड। उसने जाते हुए, पैलेस को छोड़ते हुए, उसने फिर से लोगों से बात करते हुए क्या बोला कि आई हैव जस्ट रिसाइटेड अ पोयम इन ऑनर ऑफ अ सुल्तान एंड ही एंड द सुल्तान हैज गिवन मी वन ऑफ हिज रोब एज अ रिवॉर्ड। यानी कि मैंने सुल्तान के ऑनर में एक अभी अभी एक बहुत ही अच्छी कविता पढ़ी है, बनाई है, उनको सुनाई है, और सुल्तान ने मुझे उस पुरस्कार के रूप में एज अ रिवॉर्ड अपना एक कपड़ा, रोब मतलब क्या होता है, पोशाक, कपड़ा जो पहनते हैं, उन्होंने मुझे एज अ उपहार के रूप में दिया है। यानी कि उस डंकी सैडल को उन्होंने, सैडल को क्या बता दिया, रोब बता दिया। किसका रोब बताया, सुल्तान का रोब बताया डंकी ने, उसने अली ने। ठीक है, तो सुल्तान को क्या बता दिया, सुल्तान को इनडायरेक्टली उसने डंकी बता दिया। ठीक है, यहाँ यही यही बात हो रही है कि अली मॉक द सुल्तान, अली ने फिर से सुल्तान का मजाक उड़ाया। कैसे बनाया, सुल्तान को उन्होंने बना दिया डोंकी, और जो उसको डोंकी का सडल गिफ्ट किया गया था उसको उसने उनका रोब यानी कि उनकी पोशाक बता दिया कि ही हैज जस्ट गिवन मी वन ऑफ हिज रोब एज अ रिवॉर्ड, उन्होंने मुझे पुरस्कार के रूप में अपना एक कपड़ा दे दिया। ठीक है, और इतना कह के वो वहां से चला गया। सो दिस स्टोरी, इट्स वेरी फनी स्टोरी एंड स्टोरी अली एंड सुल्तान, सुल्तान सैडल, अली एंड सुल्तान सैडल इज कंप्लीटेड हियर। आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आई होगी। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट ए न्यू फ्रेश चैप्टर। थैंक यू स्टूडेंट्स।